हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो चैनल अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा रेडमी 6 के MIUI 10.3.2.0 स्टेबल अपडेट, जो करीब करीब 289 MB के आसपास है। तो मतलब कि हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं अपडेट कर चुका हूँ। मतलब कि ये देखिए, अपडेट का प्रोसेस हो रहा है मेरा। आपको शायद 15 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो ये देखिए, मैंने 65% हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँगा क्या फीचर्स आए, क्या क्या फिक्स हुआ और क्या क्या इम्प्रूव हुआ है। तो देखिए, ये अपडेट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहला जो चेंजेस आया, सिक्योरिटी पैच मार्च का दे दिया है उन लोगों ने। तो सबसे पहले जो फिक्सेस मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन बैच का प्रॉब्लम था, एंडिंग कॉल लॉन्ग टाइम का प्रॉब्लम था, स्टेटस बार का प्रॉब्लम था, क्लॉक टाइमर का प्रॉब्लम था, लो बैटरी देखिए लैंडस्केप पे नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन वो का प्रॉब्लम था, मीडिया में वॉल्यूम जब हम प्रेस करते थे तो वो बहुत देर से आता था, तो वो इसका प्रॉब्लम था। इन लोगों ने दो डाला है। एक है कि आप अगर अपने फेस को अगर अनलॉक करते हैं लॉक स्क्रीन में, तो आप लॉक स्क्रीन में ही रह सकते हैं, आपको कोई भी अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है सेट, लॉक स्क्रीन का सेट को वो थोड़ा सा चेंज किया है। और जो ऑप्टिमाइज हुआ है, जी हाँ, फेस अनलॉक बहुत जल्दी खुल जाता है, और एक की फेस डेटा जब हम एंट्री करते थे, जब फेस डेटा हम रिकॉग्नाइज करते थे तो बहुत ही जल्दी हो जाता था, लेकिन वो अब थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि आपका फेस पूरी तरह से एकदम रिकॉग्नाइज हो जाए। तो इसमें आपको बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो आप बिना फिक्र के आप इसको अपडेट कर ले, सिर्फ 289 MB एक्चुअली लगेगा आपको, उसके बाद आप अपडेट कर लेना। तो बहुत ही अच्छा अपडेट इन लोगों ने दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मार्च का आपका सिक्योरिटी पैच दिया है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं, वो शाओमी लगातार देता रहता है अपना अपडेट। तो आप कोई बिना टेंशन लिए अपने रेडमी 6A को एक्चुअली अपडेट कर लीजिए 10.3.2.0 स्टेबल में। तो जी हाँ, एकदम बिंदास है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको एक पूरा वीडियो देखने के लिए।